साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ बयान सुनाना चाहता हूं, जो इस समय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी। आप कौन सा पिता का बेटा है? यू हैव टू गो विथ अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। आई डिड द सेम ड्रामा, विल इट बी एक्सेप्टेबल? अब इस ट्रेलर पर मैं बॉलीवुड के अभिनेता राजकुमार के अंदाज में ये डायलॉग बोलना चाहूंगा। जॉनी, तुमने मेरे जहर को देखा, लेकिन मेरे दिल के जख्मों को देखा क्या? तुमने मेरा गुस्सा तो देखा, लेकिन मेरे कुचले हुए स्वाभिमान को देखा क्या? साथियों, ये वो ट्रेलर है जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ किस प्रकार का गुस्सा पनप रहा है, कैसा जहर भरा है। ये वो ट्रेलर है जो बताता है कि जब कांग्रेस का टैलेंट गांधी परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार की सत्ता के खिलाफ मौका पाता है, तो उसका क्या परिणाम निकलता है। आज मैं ये भी बताऊंगा कि जो राहुल गांधी कभी सरकार में नहीं रहे, आखिर वो कौन सा गुप्त राज है जो हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे नेताओं को उनके खिलाफ उकसा रहा है। अभी तक आपने सारे बयान आधे अधूरे देखे, अब मैं आपको वो सारे बयान दिखाता हूँ, पूरा बयान दिखाता हूँ, और उससे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने पिता के प्रूफ की जो बात कही, दरअसल वो सैनिकों के उस अपमान के जवाब में कहा जो राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत के तौर पर मांगा था। आप ये बयान सुनिए पहले। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? अब उनका आप जिन्ना वाला बयान सुनिए, पूरा बयान। ये दरअसल राहुल गांधी की उस विध्वंसक मानसिकता पर है जो देश में अलगाववाद को बढ़ावा देता है। आप ये पूरा बयान सुनिए। राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल, तो एक काल में उत्तराखंड में भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को एक बार फिर जिन्ना की मानसिकता वाला नेता बताया। अब क्यों कहा ये भी सुनिए। अभी चुनाव शुरू होता है, मोदी जी प्रयास करता है कि चुनाव का जो मुद्दा वो विकास में रह जाए और लोग विकास का बात करें, देश में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो। लेकिन राहुल जी उसी समय हिजाब का बात बोलेगा, यूनियन ऑफ स्टेट का बात बोलेगा, उसी समय जाके मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बात बोलेगा। तो उससे कभी कभी मेरा लगता है कि क्या जिन्ना का भूत राहुल गांधी में घुस गया है क्या? यही नहीं, जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और गांधी परिवार ने इसका भी मजाक उड़ाया, तब हेमंत शर्मा ने गांधी परिवार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। अब आप उनका ये बयान सुनिए। सपोज टुमारो राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी केम टू असम, आई डिड द सेम ड्रामा, विल इट बी एक्सेप्टेबल? देन कांग्रेस विल नॉट क्रिटिसाइज मी? अभी तक आपने हेमंत बिस्व शर्मा का जो गुस्सा देखा, वो दरअसल इसका एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और उस पूरे राज को आपके सामने खंगालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हेमंत शर्मा न केवल कांग्रेस के बल्कि नॉर्थ ईस्ट के भी कद्दावर नेता रहे हैं, और ये बात मैं 2014-15 की बता रहा हूँ। उस समय भी एक बार असम में कांग्रेस के नेताओं में मतभेद की खबरें आईं, फिर क्या था, राहुल गांधी ने सभी नेताओं को दिल्ली में अपने घर पर बुलाया और इस बैठक में बड़े बड़े नेता मौजूद थे। कौन कौन थे, पहले ये बयान सुनिए। हम था, सीपी जोशी था, तरुण गोगोई जी था और हमारा प्रदेश का अध्यक्ष था। उस बैठक में जो दिलचस्प वाकया हुआ, ये भी आपको हेमंत शर्मा की जुबान में ही सुनाता हूँ। 5 मिनट उनसे बात करेगा, अच्छा एंगेजमेंट रहता है, 6 मिनट में वो उनका पेट डॉग आ जाता है, वो उनका साथ खेलना शुरू कर देता है। अब आप समझ गए होंगे
कि असम जैसे राज्य का जब उसके भविष्य की चिंता की जा रही हो, उसके राजनीतिक भविष्य पर बातचीत की जा रही हो, तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी राहुल गांधी के लिए कुत्ते से खेलना था। उसी दौरान असम के दो बड़े नेता सीपी जोशी और तरुण गोगोई के बीच मतभेद हुआ। आप ये सुनिए। एक समय में सीपी जोशी और गोगोई जी का बीच में थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया उससे पता चला कि वो कितने नॉन सीरियस नेता हैं। दो नेता उनके आपस में मतलब लड़ रहे थे, एक मतभेद पैदा हो गया था, लेकिन वो उसे सुलझाने की जगह खुद को उस झगड़े से उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसा मानो असम की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, और वे कुत्ते को बिस्किट ही खिलाते रहे। ये भी सुनिए। तब झगड़ा हुआ तो वो कुत्ता टेबल पर आया उसी समय, और जो प्लेट था कॉमन प्लेट में बिस्किट था उससे बिस्कुट उठाया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राहुल विल इंटरवेन इन द डिस्प्यूट कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो। जिस बिस्किट को उन्होंने कुत्ते को खिलाया वही बिस्किट उन्होंने असम के इन दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को भी ऑफर कर दिया। आप ये पूरा बयान सुनिए। भाई कुत्ता भी उठा के ले गया तो ठीक है, दो मिनट का बाद मेस आता था, वो किसी को बेल मार के बुलाएगा कि प्लेट चेंज कर दो। प्लेट भी चेंज नहीं हुआ, फिर उसी प्लेट से दो एक उठा के बिस्किट भी खाया, तो मैं तो हैरान हो गया भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। जी न्यूज का ये वीडियो 20 मई 2016 का है, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। इसकी घटना के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट का इतिहास बदल गया। मैं इस इतिहास की झलक आपको दिखलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं। वो जो इतिहास बदला उसके केंद्र में हेमंत विश्व शर्मा है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया उससे इस इतिहास की सारी परतें खुल जाएंगी। आप ये बयान सुनिए। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान भारतीय राजनीति में चाणक्य का सूत्र वाक्य है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपने दशकों के राजनीतिक जीवन में इस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में जब उनको हेमंत शर्मा के रूप में एक टैलेंट दिखा तो उन्होंने तुरंत देश हित में उसका उपयोग करने का फैसला किया। और इस घटना के फौरन बाद उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने हेमंत शर्मा से मुलाकात की अपने रेजिडेंस में और उन्हें तुरंत शामिल कर लिया। आप ये देखिए उस समय की रिपोर्ट है। इसके बाद 2015 में हेमंत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर असम में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। आप देखिए ये रिपोर्ट उस समय की है कि बीजेपी स्ट्रेटजिस्ट बिहाइंड एनडीएज विक्ट्री इन असम, असम में पहली बार ऐतिहासिक जीत मिली। और फिर इस जीत के बाद भाजपा ने हेमंत विश्व शर्मा को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। एक नॉर्थ ईस्ट अलायंस बनाया गया बीजेपी का और उसका उन्हें कन्वीनर बनाया गया। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको पता चलेगा। और हाँ, ये नया इतिहास बना है नॉर्थ ईस्ट में कि आज नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में या तो भाजपा की सरकार है या फिर भाजपा अलायंस पार्टनर है। 4 राज्यों में तो भाजपा के मुख्यमंत्री, आप देखिए इस रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा कि 4 राज्यों में जिसमें असम जैसा बड़ा राज्य है, त्रिपुरा जैसा राज्य है, जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आज राहुल गांधी की भारत के बारे में क्या समझ है वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को, अब फिर मैं राहुल गांधी को ला रहा हूं क्योंकि ये पूरा मामला राहुल गांधी हेमंत विश्व शर्मा से ही
शुरू हुआ है। तो आज राहुल गांधी की भारत के बारे में ये समझ है कि वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। अभी दो दिन पहले का ही ये ट्वीट है, देखिए क्या लिखा है। आवर यूनियन ऑफ कल्चर्स, यूनियन के बारे में बात करते हुए लास्ट में लिख रहे हैं, फ्रॉम कश्मीर टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, इंडिया इज ब्यूटिफुल इन ऑल इट्स कलर्स। मतलब नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं। अब ये गांधी परिवार की सोच है कि जो उनके परिवार का नहीं है, जहां उनके परिवार का सिक्का नहीं चलता, वो देश का नहीं होता है। जाहिर है हेमंत शर्मा को गुस्सा तो आएगा ही, और उन्होंने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आप देखिए उन्होंने पूरी बात लिखी है अपने ट्वीट में कि भारत कैन नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू योर टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद नेशन, नेशनलिटी एंड नेशनलिज्म। एंड हेलो, राहुल गांधी को वो बोल रहे हैं, बियॉन्ड बंगाल वी नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, आपको पूरे गुस्से का जो पॉइंट है वो आपको समझ में आए। और याद रखिएगा, ये वही टैलेंट है जिसे कांग्रेस ने ठुकराया, गांधी परिवार ने ठुकराया, मोदी जी ने गले लगाया, भाजपा ने पुष्पित पल्लवित किया, और यही टैलेंट आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के सफाई की वजह बना। उसने कांग्रेस का सफाया ही कर दिया, और तभी हेमंत शर्मा राहुल गांधी को धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी, आपकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी और आज मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप उनका ये बयान सुनिए। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर राहुल गांधी दैट आई वुड नॉट हैव बिकम चीफ मिनिस्टर, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सर्व द स्टेट had it not been he who has shunted me out literally from the Congress party। हेमंत शर्मा जैसा ही हाल आज कांग्रेस में कई नेताओं का है, उन नेताओं का है जो टैलेंटेड हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो देश हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की वंशवादी परंपरा का वो शिकार है। आप देखिए ये रिपोर्ट है G24, ये G23 जो नेता हैं, जो कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट गुट पैदा हुआ है, जिसके बारे में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और ये बहुत टैलेंटेड नेता हैं जिनके बारे में ये सारी रिपोर्ट्स हैं। यकीन मानिए कांग्रेस के अंदर इन नेताओं का वही हाल है जो हेमंत बिस्व शर्मा के अंदर दिख रहे गुस्से का है। ये गुस्सा पनपने की वजह है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यवहार, एक बड़ा विचित्र व्यवहार है जो राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ करते हैं, जो बहुत बड़े कद के नेता हैं। और ये भी आप हेमंत शर्मा के बयान से ही सुनिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। When you go to the Rahul Gandhi, you have to go with a master and servant relationship. That is very disgusting. Rahul will come as if a god has come. Now we have to worship him. जाहिर है कांग्रेस के भीतर छिपे टैलेंट को जब जब वंशवाद से मुक्ति का मौका मिलेगा, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा, तो ये टैलेंट गांधी परिवार को उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में गांधी परिवार बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।